नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी समाचार। बात की जाए मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की, तो पूर्व मंत्री पी शर्मा जी हमारे साथ हैं। उत्तर प्रदेश से नाम बदलने का शुरू हुआ था, उत्तर प्रदेश से नाम बदलते बदलते आज सरकार ने राजीव गांधी जो खेल रत्न था उसका भी नाम बदल दिया गया है। तो आपसे सर यही सवाल है कि नाम बदलने से क्या असर पड़ेगा सर? देखिए, राजीव गांधी जी केवल प्रधानमंत्री नहीं थे, भारत रत्न की उपाधि दी गई थी उनको सरकार ने, देश ने, और वो शहीद हुए, शहीद का दर्जा था उनका, देश के लिए जान दे दी उनने। उनकी माताजी राजीव गांधी, इंदिरा गांधी शहीद हुई, देश के लिए जान दे दी। पंडित जवाहरलाल नेहरू 12 साल जेल में रहे, उनके नाना। और ये नाम बदलने का जो मोदी जी ने काम किया है, इसमें ध्यानचंद जी जो जादूगर थे हॉकी के, एक तरह से उनका भी अपमान किया है इनने। एक कंट्रावर्सी पैदा कर दी कि राजीव गांधी जिनके नाम से विदेशों में भी सड़कों के नाम है, इस देश के अंदर जो प्रधानमंत्री रहा उसका नाम हटा के ध्यानचंद जी का नाम रख रहे हैं। ध्यानचंद जी का सम्मान तो तब होता, हॉकी का सम्मान जब होता कि एक और अवार्ड महाखेल रत्न ये रख देते तो उनका सम्मान होता, अभी उनको कंट्रावर्सी में डाल दिया। दूसरा, अपने खुद के नाम से मोदी जी ने सरदार पटेल का नाम हटा के अहमदाबाद में स्टेडियम का नाम रख लिया, अरुण जेटली जो इनके नेता थे उनके नाम से दिल्ली में रख लिया, तो ये बाकी नाम है ये कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये सरकार भी मोदी जी ये डरे हुए हैं, ये डर रहे हैं कि हम यूपी का चुनाव कहीं हार नहीं जाएं, क्योंकि यूपी का हारेंगे तो देश का हारेंगे। तो ये डरे हुए प्रधानमंत्री का काम है कि उन्होंने झांसी जो कि यूपी में आता है वहाँ के ध्यानचंद जी थे उनके नाम से राजीव गांधी का नाम हटा के राजू खेल रत्न के बजाय ध्यानचंद खेल रत्न कर दिया, खेल रत्न अवार्ड कर दिया है। और सर एक सवाल है सर, स्पोर्ट में सर इनने कुछ दिन पहले अभी पैसे कम कर दिए थे केंद्र सरकार जो स्पोर्ट की जो पैसे दे, राजीव गांधी के ज़माने में खेल में स्पोर्ट्स में बजट बड़ा था जी, बजट, और मोदी सरकार ने उस बजट को कम कर दिया। खेल के प्रोत्साहन के लिए कुछ नहीं किया इन्होंने, इन्होंने जो हॉकी की टीम गई थी जिसको कांस्य पदक मिला है, ये उड़ीसा की सरकार ने स्पॉन्सर किया था, ये केंद्र नहीं कर पाई इसको। तो ये केवल डरे हुए प्रधानमंत्री का एक एक्ट है, और मैं समझता हूँ कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और मैं नहीं समझता कि देश की जनता या हॉकी जगत की जनता इसको कोई इससे सराहना मिले। सर खिलाड़ियों को नाम बदल दो सर, भोपाल राजधानी कुछ नाम बदल दे, हदालतपुर बस स्टैंड हो गया, हबीबगंज का भी सर चल रही है, ये सब बदल दे नाम, जिसको भी मिलेगा अवार्ड वो राजीव गांधी खेल, राजीव खेल रत्न कहलाएगा। बैरागढ़ का नाम खूब बदल दिया, संत हरदाराम नगर रख दिया, हम लोग भी थे उसमें, लेकिन आज तक मुझे आदमी नहीं मिला जो संत हरदाराम बोले, वो बैरागढ़ ही बोलता है। ये बुलवर्ड रोड का नाम बदल के अटल कर दिया, अटल रोड, लेकिन लोग बुलवर्ड रोड ही बोलते हैं। ये जो जो लोगों के दिमाग में जो रट जाता है जिस जगह का नाम, वो कितना ही बोलते रहो उस नाम का वही रूप चलता है। ये गलत फहमी है मोदी जी को कि उस नाम को बदल देने से वो राजू खेल रत्न अवार्ड कहीं मिट जाएगा, ये इनकी गलत फहमी। राजधानी समाचार के साथ का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया आपको धन्यवाद। आप देखा राजधानी समाचार नहीं है, इसका रिपोर्ट भोपाल मध्य प्रदेश। सब्सक्राइब नाउ and press the bell icon. Never miss an update.